नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं पुष्पदंताद्यो जैनधर्मोस्तु। बलिये परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, धर्मेश्वरी भव्य आत्माओं, आज परिवादिराज परिषण पर्व का कौन सा दिन? छठवां दिन उनके लिए है जो संसार को छाटना चाहता है। संसार से बाहर होना चाहता है। क्षुद्र से विराट की यात्रा करना चाहता है। बीज से वृक्ष बनना चाहता है। साकार से निराकारता को पाना चाहता है। उद्गम स्थल से समुद्र की यात्रा करना चाहता है। आज उनका दिन है जिसका नाम भगवान महावीर स्वामी ने दिया है संयम। और संयम का छोटा सा अर्थ दे दिया है संसार का यम। जो तुम्हारे संसार को मारे और तुम्हारे संन्यास को त्याग को जगाए उसका नाम क्या है? संयम। क्रोध मान माया लोक तो परिणति बाहर की है, सत्य वाणी की है, लेकिन संयम आचरण की वस्तु हो गई। संयम के लिए बातें नहीं होती है, संयम के लिए संकल्प होता है। और आचार्यों ने कह दिया है संयम से रहित जीवन दीमक लगे हुए वृक्ष के समान है जो आज नहीं तो कल शीघ्र ही धराशायी होने वाली है। क्योंकि संयम रहित जीवन आपके भीतर की आत्मा को खोखला करता है। इसीलिए आज के दिन को आचार्यों ने कह दिया तुम्हारी गृहस्थी भी ना छूटे और तुम्हारा धर्म भी चले, इसलिए संसार में रह करके बैलेंस बना करके चलो। इतना पाप भी मत करो कि नरक गति और तिरंच गति की प्राप्ति हो जाए, और इतनी तपस्या भी तुम अभी नहीं कर सकते हो कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो तुम्हारे पास समय है, जो तुम्हारे पास अवसर है, जो तुम्हारे पास जीवन है, जो तुम्हारे पास आयु है, जो तुम्हारे पास समझ है, उसमें थोड़ा सा अपने भीतर विवेक को जन्म दे लो। समझ को पैदा कर लो, और समझ पैदा होगी तो संकल्प नियम से पैदा होगा। रावण के जीवन को अगर किसी ने सुरक्षित किया है तो उसका नाम केवल संयम है। आकाश मार्ग से चला जा रहा था रावण, और उसके साथ था उसका मंत्री सहस्त्र भट नाम का, और वो विमान से आकाश में यूं जा रहा है और सामने से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं।
कितना बढ़िया संयोग होगा। आप देखो, कभी कभी आप लोग भी यात्रा पे जाते हैं और इधर से आप गाड़ी में जा रहे हो, उधर से आते हुए महाराज मिल जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तुरंत गाड़ी को रोकते हो, दरवाज़ा खोलते हो, नमस्तो 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 महाराज जी कहते हो। लेकिन आप तो इतना ही कहते हो। रावण उससे आगे बढ़ रहा है, जिसको जिंदगी भर हम अपमानित करते हैं, जलाते हैं, वो उससे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही महाराज जी उसे दिखते हैं आते हुए, तो अपने विमान को महाराज के सम्मुख के धीरे से रोकता है और यूं करके नमोस्तु महाराज। सहस्त्र बैठ कहता है कि नीचे उतर जाना महाराज श्री, आपकी चरण स्पर्श तो कर लूं। महाराज भी उसकी बात को समझ जाते हैं और रावण का विमान और मुनिराज दोनों नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतर करके एक चट्टान में बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं नमोस्तु महाराज, सहस्त्र भट कहता है कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए। एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है, संयम रहित जीवन दीमक लगे हुए वृक्ष के समान है, इसलिए हे रावण मृत्यु आने के पूर्व अपने जीवन को संयम को मैं बना ले, ताकि तेरा यही लोक भी संभल जाए और परलोक भी सुधर जाए। कितना बढ़िया शब्द, यही लोक संभल जाए और परलोक सुधर जाए। क्योंकि संयम इस लोक को संभालता है और परलोक को सुधारता है। रावण मंत्री की तरफ देखता है, क्या बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं, तो संकल्प कौन सा लो? बोले तेरे मन में जो आए वो ले ले। वही पूछता तू कौन सा ले रहा है? दोनों पूछ रहे हैं एक दूसरे से। आप भी कभी कभी आते तो ये तो होता ना, कोई नियम लेने वाला होता, तू कौन सा ले रहा है, तो तू कौन सा ले रहा है? और एक ना एक नियम में बंध करके रहना आवश्यक होता है, क्योंकि जहां संयम आ जाता है वहां एक बंधन आ जाता है, और बंधन का जीवन मुक्ति में कारण होता है जो जीवन को अनुशासित करता है। अगर नदी का बंधन तट से न हो तो पानी फैल करके सूख जाएगा। पेड़ का बंधन जड़ से न हो तो दो चार महीने में सूख करके वो गिर जाएगा, सूखे पत्ते हो जाएंगे। मकान का बंधन अगर जड़ से न हो तो जरा सा तूफान भी उसे गिरा देगा। गाड़ी का बंधन अगर ब्रेक से न हो तो कहीं पर भी एक्सीडेंट करा देगा। आपका बंधन अगर परिवार से न हो तो समाज में कोई इज्जत देने वाला भी नहीं मिलेगा। और जीवन का बंधन अगर संयम से न हो तो आपको दुर्गति और पाप से कोई भी नहीं बचा सकेगा। इसीलिए संयम का बंधन स्वीकार करना तो आवश्यक है। बिना संयम और संकल्प के बंधन में बंधे आप कितना भी आगे कोई भी कार्य कर लो। महावीर कहते हैं क्रिया तो तुम्हारी अच्छी दिख जाएगी लेकिन भविष्य की उन्नति रुक जाएगी। एक विद्यार्थी साल भर तक स्कूल में जाए और स्कूल में नाम न लिखाए तो क्या होगा? क्या होगा? बुद्धि तो बढ़ेगी, शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा तो उसे अपने अंकों का पता भी नहीं चलेगा, अपने मार्क्स का पता नहीं चलेगा, तो आगे कोई डिग्री भी मिलने वाली नहीं है। और डिग्री अगर नहीं मिलेगी तो कोई यूं सर्विस देने वाला भी, बुद्धि तो आ गई है लेकिन अभी रजिस्टर्ड
आप भी अपने जीवन को देखोगे तो कई चीजें आपके जीवन में ऐसी चलती है, कई मंदिर भी आते हैं, रात में भी नहीं खाते हैं, अभक्ष का भी त्याग है, माला भी फेरते हैं, और कई गृहस्थ तो ऐसे हैं घर में मर्यादित शुद्ध भोजन भी करते हैं, बाजार का छूते भी नहीं हैं। लेकिन उनसे पूछो, तुमने संकल्प कर लिया है क्या? बोले नहीं महाराज, पता नहीं कहीं टूट गया तो। बोले बस ये तो नाम का जो शल्य है ना, वो तुम्हारी प्रगति को रोक रहा है। और कितने सारे ऐसे बैठे हैं, ऐसा तो कर ले लेकिन, बस वो लेकिन क्या कर देता है आपको, वही रोक देता। अज्ञात भय भविष्य की कल्पना आपको संयम के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन स्कूल में नाम नहीं लिखाए हो, इसलिए पुण्य का आश्रय तो हो रहा है, बाहर क्रियाएं तो दिख रही है, लेकिन तुम्हारे कल्याण का दरवाजा अभी भी बंद है, खुला नहीं है। और कल्याण का दरवाजा खोलने के लिए संकल्प में बनना जरूरी है। अरे जब बीमार होगे तुम्हारे नियम टूटेगा वो बात की बात है, जब तक है तब तक तो संयम का संकल्प का पालन कर ले। भविष्य की संभावनाओं को देख करके वर्तमान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे आप गृहस्थी में करते हो, भविष्य की संभावनाओं को देख करके वर्तमान को छोड़ते हो क्या? गाड़ी में लूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए मैं गाड़ी ही ना लूं, ऐसा सोचते हो क्या? शादी करने के पहले सोचते पता नहीं पत्नी लड़ंको मिल जाएगी, इसलिए क्या भरोसा, इसलिए शादी ही नहीं करनी, ऐसे ही संबंध बना लेने हैं, सोचते हो क्या? ऐसे किराए की गाड़ी पे घूम ले, सोचते हो क्या? नहीं, वो सोचता है वो कौन माना जाता है, आचरणहीन माना जाता है, अमर्यादित माना जाता है, समाज द्वारा अस्वीकृत माना जाता है, संयम से इज्जत से उपेक्षित माना जाता है। आपका भी जीवन तो ऐसी हो रहा ना संयम के बारे में, छोटा सा है संयम नियम बंधने के लिए तो गृहस्थ जीवन में प्रतिमा तक कह दी है, लेकिन छोटे शुभारंभ तो हो। रावण जैसे ही कहा तो सहस्त्र भट्ट कहता है महाराज क्या नियम लो, तो देखते देखते उसे याद आ जाता है, अरे अभी तो महाराज जी यहां से जाएंगे, पता नहीं कहां ऐसे कर लेंगे और किसके घर में आहार करेंगे कुछ पता। तो बोले महाराज मैं तो गृहस्थ जीवन में इतना संकल्प करता हूं, जब तक मुनिराज की चर्या की बेला नहीं टल जाएगी तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। एक संकल्प के पथ पर कदम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पहला संयम तो यह था उसका कि जब तक भगवान की अभिषेक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक मुख में नहीं डालेंगे। वो तो मन का मालिक था, 6 बजे भी खत्म कर सकता है, 7 बजे भी खत्म कर सकता है। देव पूजा का संकल्प कितना सरल हो गया, क्योंकि भगवान आपके पास बैठे हैं 24 घंटे, जब चाहे तब घर से निकलो, पूजा कर लो, नियम का पालन कर लो। श्रावक का पहला कर्तव्य देव पूजा, और देव पूजा में ये कह दिया कि जब तक देव पूजा नहीं कर लूंगा तब तक पेट पूजा भी नहीं करूंगा। एक संकल्प था, अब आपके ऊपर है, आप 10 बजे पूजा करो तो 10 बजे तक त्याग है, नहीं करो तो अगले दिन तक त्याग है, और जल्दी कर लो तो बोले कोई बात नहीं भगवान के पास तक तो तुम आ गए हो, इसलिए तुम्हारा दरवाजा तो कल्याण का खुल गया है, अब तुम भगवान के सामने खड़े होने लायक हो। और जो इंसान भगवान के सामने खड़े होने लायक भी ना हो उसकी जिंदगी कैसी है? आप तो गृहस्थ में भी कहते तो अरे कम से कम सामने खड़े होने लायक तो हो जाओ। और सामने खड़े होने लायक का मतलब क्या है? अपनी योग्यता को निखार लेना, व्यापारिक व्यवहारिक योग्यता को निखारने के लिए आपकी पूरी चेष्टा चलती है, धार्मिक योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने खड़े होने की योग्यता पैदा करो। खड़े होने की योग्यता का मतलब क्या है? यह विधि ठाणो होई के प्रथम पढ़े सो, अब मैं आपके पूजा के योग्य हो गया हूं, दर्शन के योग्य हो गया हूं, आपके आचरण को पालन करने की भावना अपने भीतर पैदा कर ली है। हे प्रभु इसलिए पूज्य तो मैं बाद में बनूंगा लेकिन अभी कम से कम पूजक तो बन जाऊं। पूज्य बनने के पहले पूजक बनने का दरवाजा खोलना पड़ता है। तो बोले देव पूजा का संकल्प कर लेता है, जब तक मैं आपकी अभिषेक पूजा नहीं कर लूंगा तब तक अपने मुख में कुछ भी नहीं डालूंगा।
बोले अगर और आगे बढ़ने लग जाता है वह श्रावक संयम के पद पर गृहस्थ जीवन में तो क्या नियम ले लेगा। तो बोले सहस्त्र भट्ट ने ले लिया, जब तक मुनिराज की चर्या की बेला नहीं टल जाएगी तब तक मैं भोजन। अब महाराज की चर्या की बेला कौन सी है? बोले 9:30 बजे, द्वितीय पहर आ जाता 3 से 6, 6 से 9, 9 के बाद द्वितीय पहर आ गया। अब 9 बजे के बाद है, 9:30 बजे के बाद है, 11 बजे तक है, 12 बजे तक है मुनिराज की चर्या की बेला। और आप संकल्प लेकर के देखो तो कैसा महसूस होगा। सहस्त्र भट्ट ने यह नियम लिया कि जब तक महाराज की चर्या की बेला नहीं टल जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। रावण सोचता ही तो बड़ा नियम ले लिया, फटाफट ले लिया, इसके मन में तो भावना ही है महाराज के पास जाने की रहने की, लेकिन मेरे मन में भावना तो नहीं है। अरे और कोई सा नियम ले ले, छोटा सा ले ले, संयम ले ले। रावण सोचने लगता है कि कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ। बातचीत दोनों की चल रही है, संकल्प के लिए बड़े मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। तो अनंत बल मुनिराज के पास बैठ करके मन में भाव जग गया कि हे भगवान मेरी तो किस्मत अच्छी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई चीज़ छोड़ने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन चलो महाराज बोल रहे हैं तो एक नियम ले लेता हूँ। बस क्या नियम ले लिया? बोले जब तक स्त्री स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं अपना नहीं मानूंगा। एक ही तो त्याग किया था अनंत बल मुनिराज से संयम के रूप में, वर्तमान संभालता है और भविष्य सुधारता है। एक नियम ले लिया महाराज, क्योंकि उसके मन में भाव आ गया मेरे को कौन नहीं चाहेगा, मैं तो त्रिखंडाधिपति हूं, 16,000 रानियां चक्कर काट रही है और भी अभी लेन लिए खड़े हैं, लेकिन अब करूं क्या। एक संकल्प ले लिया और वो भी लिया बेगार टालने के लिए। क्या टालने के लिए? महाराज की बात रह जाए और मेरा भी काम हो जाए। कई बार आपके जीवन में भी आता है ना, महाराज बोल देते हैं हाँ भाई ले लो, तो बोले ठीक है महाराज, महाराज की बात भी हो जाए और बेगार भी चल जाए। तो बोले क्या कर लो? 1 महीने का त्याग। बोल देते हो कि नहीं बोल देते हो? क्योंकि फंस जाते हो आप जैसे आहारचर्या में या प्रवचन में, तब आपके मन में भाव जग जाता है। बोले कोई बात नहीं, संयम का भाव भी अगर जग गया है तो कहीं ना कहीं बीज तुम्हारे भीतर बैठा है, यह मान करके चलना। और उसने नियम ले लिया कि जब तक स्त्री स्वीकार नहीं करेगी तब तक देखिए कर्म का उदय, बुद्धि की विपरीतता कितनी आ गई कि एकदम उम्र भी बढ़ गई, समय भी आ गया और उधर सीता भी दिख गई और नौनौ भाव का पिछला संबंध, ये सब संबंधित है, आज के नहीं थे ये। कभी पद्म पुराण पढ़ोगे तो सब संबंध पता चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अगर जीवन में चल रही है तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई अच्छा या बुरा संबंध है। बुरा हो रहा है तो भी अतीत है और अच्छा हो रहा है तो भी अतीत है। बिना अतीत के वर्तमान में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंश होता है, बाकी वर्तमान का पुरुषार्थ, नियति, लगन, क्रिया, ये सारी चीजें मिल जाती है। दही को जमाना है तो इतना सा जवान है पुराना बैक्टीरिया, तपेला भर को जमा देगा। बोले उसी प्रकार तुम्हारा अतीत कर्म थोड़ा सा होता है जो वर्तमान के सारे सुख और दुख को प्रकट करता है। फिर जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ तुम्हारा होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। अगर उस पुरुषार्थ को, पुण्य को फैला दो तो जल्दी समाप्त हो जाता है, और वैसे ही रहने दो तो जल्दी समाप्त नहीं होता है। जैसे भी बोल रहे थे ना बैलून गुब्बारा, अगर फुला दो तो एक पिंच में ही फूट जाएगा, और नहीं फुला वैसे ही पड़े रहो कितना भी मारो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पुण्य का फल पड़ा का पड़ा है। और नियम ले लिया, और नियम ले लिया तो कहां तक पहुंच गए देखो, चुरा करके घर तक भी ले आया, अशोक वाटिका में भी रख लिया। लेकिन सारे घर वालों से कह रहा उसको बोलो राजी हो जाए, बस इतनी सी बात पे अटका हुआ है, क्योंकि उसके दिमाग में अब कौन घुसने लग गया। बोले दिमाग में तो स्त्री घूम रही है लेकिन दिल में महाराज बैठे हुए हैं कि उनसे नियम लिया है, इसलिए उस नियम को तोड़ना नहीं है। और वो दिल की बात पहले मान रहा है, दिमाग की नहीं मान रहा है। आप कई बार किसकी बात मान जाते हो? दिमाग की पहले मानते हो।
दिमाग सारा गुंताड़ा लगाता है, उसके उपरांत निर्णय करता है, दिल निर्णय नहीं करता, दिल तो फटाफट काम कर लेता है। दिल की अवस्था अलग होती है, इसीलिए तो आपसे जब कभी सोचने और समझने के लिए कहा जाता है तो कहता भैया अंतरात्मा की बात सुनो, दिल की आवाज सुनो, दिमाग की नहीं। दिमाग तो दोनों तरफ दौड़ाएगा आपको, लेफ्ट भी और राइट भी, इधर भी और इधर भी। और दिल में उसके कौन छुपा हुआ था? मुनिराज। अरे मुनिराज छुपे हुए थे, ले भी आया लेकिन 6 महीने पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन महाराज का नियम नहीं उजाड़ा। कितना बड़ा संकल्प है। यही गृहस्थ जीवन में कह देते हैं कि वो नियम ले लिया मुनिराज की हार के बाद का, वो नियम ले लिया कि स्वीकार, एक संयम उसे कहां ले गया। पाप कर्म के उदय से जब उठाया तब तो नरक गति का बंद हुआ, लेकिन इतनी भीतर से प्रेरणा मिल गई, इतना भीतर का सुधार हुआ कि नरक में जा करके भी वो सम्यक दृष्टि और भविष्य में तीर्थंकर बनने का काम कर लिया। शील व्रते स्वनिति चार, आचार्यों ने कहा शील व्रते स्वनिति चार, शील व्रत भी है आचरण भी है, तो उसमें कोई दोष मुझसे? और कौन से जीवन में कह रहा है? रावण के जीवन में। 16,000 होने के बाद भी व्रत संकल्प संयम बांधा, और वो संयम बांधने का अर्थ है बैलेंस बना लेना। जैसे एक रस्सी में नट चलता है तो नट चलता है, इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं है, लेकिन कभी इधर हाथ करता है और कभी इधर करता, कभी इधर करता और कभी इधर करता, और दोनों तरफ करते करते वो आगे बढ़ जाता, चलता हुआ आगे बढ़ता है, रुके हुए में गिरने की संभावना है। साइकिल है, आप अगर सीधे सीधे चलाते रहो बैलेंस बना रहता है, और रोक दो तो या तो इधर गिरोगे या इधर गिरोगे। और अगर उसको भी बैलेंस करना है तो फिर कलाकारी तुम्हें दिखानी पड़ती है, आगे थोड़ा सा हैंडल मोड़ करके बैलेंस बनाना पड़ेगा, आगे थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो सहारा भी मिलने लगेगा। बैलेंस का नाम कौन सा है? संयम है। तो जिंदगी में बैलेंस बनाओ, यानी कि सांसारिकता का भी और आध्यात्मिकता का भी, यानी कि राग का भी और विराग का भी। अभी त्याग नहीं आया है, त्याग तो कल आएगा परसों आएगा, अभी तो केवल गृहस्थ जीवन का बैलेंस बना रहे। मुनिराज के पास तो आ गया, गृहस्थ जीवन में आ रहा है, मुनिराज के पास के लिए तो इसमें पढ़ ही लेते हो आप, कौन सा है? काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो और संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। आपकी आत्मा के रत्नत्रय को लूटने वाले चोर चारों तरफ घूम रहे हैं। कौन से चोर है ये? कौन से चोर है? विषय चोर। कौन से चोर? और विषय किसे कहते हैं? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रियां कौन है? चोरी कर रही है। किसकी चोरी कर रही है? तुम्हारे आत्मा के धन का, तुम्हारे रत्नत्रय का, तुम्हारे श्रद्धान का, तुम्हारे परमात्मा का, तुम्हारे शुभ कृतित्व की क्या कर रही है? चोरी कर रही। एक मिनट भी नहीं लगता है, स्पर्श इंद्री डिमांड करने लग जाती है आपसे, तो उसी समय क्या करने लग जाते हो? हिंसक चीज है या अहिंसक चीज है ये कुछ भी नहीं देखते हो, बस मेरे पास तो होना चाहिए। कितनी सारी चीजों में आ जाती स्पर्श इंद्री के लिए, कितनी सारी चीजें आ जाती है। तो सारे के सारे भोग की सामग्री कौन सी है आपके पास? स्पर्श इंद्रिय। और स्पर्श इंद्रिय के सुख के लिए ही आप कहां तक बढ़ जाते हो? शरीर कहां तक चला जाता है? वस्तुएं कहां तक आ जाती है? और शरीर को चलाने के लिए कितनी हिंसक वस्तुएं आ जाती है, क्या उसका संयम के माध्यम से स्वीकार हुआ कि हम इस शरीर को सजाने के लिए जितनी हिंसक वस्तुएं हैं उसका त्याग करेंगे, जितनी हिंसक वस्तुएं हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे? हिंसक चीजों का त्याग हो जाएगा। कौन सी चीजों का? हिंसक चीजों का। और हिंसक चीजों का त्याग होते ही आप अलग दिखने लग जाओगे। अरे यह तो बिल्कुल बैरागी सा हो गया, आपको कहने लग जाते हैं लोग, जरा सा पर्यूषण पर्व भी ठीक ठाक नहीं आ रहे होगे। हाँ आजकल पर्यूषण चल रहा है तेरा, अरे दो दिन पहले तो किसी रूप में देखे थे और आज से कैसे देख रहे हैं? एक इंद्रिय का संयम केवल स्पर्श इंद्रिय का। कौन सी इंद्रिय का? स्पर्श इंद्रिय का। और स्पर्श इंद्रिय का संयम बाहर की वस्तु तो छूटती है, संयम में ब्रह्मचर्य तक आ जाता है।
इसीलिए उदाहरण अगर दे देते तो स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के बोले हाथी का उदाहरण देते हैं कि एक हाथी ऐसा है जिसके पास विशाल काय शरीर होता है, लेकिन जब उन्हें फंसाना होता हाथी को तो क्या करते हैं, एक साधारण रूप से पुतला सा बना देते हैं, पुतली से बना देते हैं और पास में गड्ढा कर देते हैं ताकि हाथी उसके पास जाए, स्पर्श इंद्रिय कामुकता के वशीभूत होकर के, और जैसे ही जाता है उसके पास तो उसी के पास गड्ढा बना हुआ होता है तो सीधे उसमें जा कर के गिर जाता, और गिर जाता है तो फिर महावत कुछ नहीं करता है, इतना सा अंकुश होता है गर्दन के पास टोस टोसता है, 10-15 दिन तक भूखा रखता है ताकि कमजोर हो जाए, परिचय हो जाए, और फिर धीरे से उसे निकालता है, फिर उसके इशारे पर नाचता है। कितनी बड़ी शक्ति है कि एक पाँव में जरा सी रस्सी पेड़ से खंभे से बंधी हुई है, एक टांग को मारे तो पूरा खंभा भी पेड़ भी खूंटा भी टूट जाए, गिर जाए, ढह जाए, लेकिन अब किसके डर में है, किसके अंकुश में है, महावत के। बोले अंकुश महावत तुम्हारे ऊपर लगाए, उसके पहले अंकुश कौन लगा दो, तुम लगा दो। आप अपने आप में सोचते ना, जहां आप इसने प्रेम करने लग जाते हो, जहां शादी के बंधन में बन जाते हो तो किसका अंकुश लग जाता है, स्त्री का अंकुश आपके ऊपर लग जाता है, कहां गए थे, इतने देर क्यों हो गए, सुनते ही नहीं हो, ये कर लो, हर चीज में क्या है आपके पास, बंधन आ जाता है। कौन आ जाता है, इसलिए उसको क्या कह दिया, बनिता बेड़ी, उसको क्या कह दिया है, बनिता बैड़ी, शास्त्रों का कथन है ये, स्त्री आपके पास है लेकिन बन, इसलिए आप कभी कभी अपने गृहस्थ जीवन में भी कह देते हो ना, लड़का थोड़ा सा बिगड़ने लग जाता है उम्र के साथ, बोले शादी कर दो सुधर जाएगा, क्या बोलते हो, बांध दो, क्योंकि मालूम है अब ये किसी के सुनने वाला नहीं है, किसकी सुनेगा, किसकी सुनेगा, स्त्री की सुनेगा, घरवाली की सुनेगा, और इतना सुनते सुनते आगे बढ़ जाएगा कि जिसने जन्म दिया है उसकी बात भी सुनना बंद कर देगा। स्त्री तो यही चाहती है ना, इंद्रियां और स्त्रियां दोनों एक सी है, कौन कौन सी चीज, इंद्रियां और स्त्रियां, ये दोनों एक सी है, दोनों का काम एक सा ही है, पंचेंद्रिय भी डिमांड करती है, एक बार अगर आप इसकी मांग इच्छाएं की पूर्ति कर लो तो इंद्रियां भी बार बार, और स्त्रियां भी ऐसी है, एक बार मांग भर दो तो जिंदगी भर मांग करती है, जिंदगी भर मांग करती है आपसे, इंद्रियां और स्त्रियों में कोई अंतर नहीं है, हकीकत यही है, एक बार ही तो आप भरते हो, भरते भी हो तो लाल डेंजर खतरा, घूर के मत देखो मुझे, घूर के देख रहे हैं, हाँ डिवाइड होता है निश्चित, इसीलिए तो बीचों बीच अब घर के दो टुकड़े, दिमाग के दो टुकड़े हो गए, ये दो ही होते हैं ना आपके, और इसको कितनी हंसी से स्वीकार करते हो, कितनी खुशी से स्वीकार करते हो, नाच गा करके स्वीकार करते हो, स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, और बड़े वो खुशी से कहती है देख लो मेरा साहस, तू तो मेरे को लेने के लिए 100 लोगों को लाया था, मैं कितनी दबंग हूं, अकेली आगे पूरा कब्जा कर लिया, तुम क्या खाक कर सकते हो मेरा, और उसी को संयम बोल रहे हैं, इंद्रिय का संयम कितने प्रकार के हैं, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये सारी चीजें तो स्पर्श इंद्रिय के हैं, और एक चीज के पीछे कितने आगे बढ़ जाते हो आप, खुशी तो इसी में होती ना आपको, स्पर्श इंद्रिय का सबसे पहले बता दिया कि अगर है भी तो संयम साधो, स्त्रियों को कुछ नहीं चाहिए, वो तो साधारण रूप से 3 चीजें तुम्हारी अच्छी हो गई सब चीज खुश हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बोले सुंदर काला हो, पर्स में माया हो, और पति कहे तुम्हारी आज्ञा पे मैं तुरंत आया हो, आप देख लो वो, ये 3 चीजें अगर मिल गई तो चौथी उसको कोई आवश्यकता नहीं है, बोले अब सब चीज मेरे पास है, कितना देना, ये अगर बैलेंस बना लोगे तो तुम गृहस्थ जीवन में भी कौन हो जाओगे, संयमी हो जाओगे, कौन हो जाओगे, संयमी हो जाओगे। हमारे जीवन में तो बाहर से पूरा त्याग करा दिया, इसलिए हमारा जीवन तो अलग हो गया, उत्तम संयम का,
हमारा जीवन तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन आपके लिए कह रहे हैं कि आपका जीवन अभी अलग नहीं हुआ है, तो गृहस्थ जीवन में रहो। भगवान महावीर स्वामी के सामने राजा श्रेणी गया और राजा श्रेणी उनके पास जाने के उपरांत भगवान महावीर से कहने लगे, हे भगवान, इतने दिन हो गए आपके उपदेश को सुनते सुनते, मेरा तो दिमाग ही पक गया, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। बोले, हुआ क्या? बोले, कुछ नहीं, आप कह देते हो पांच इंद्री के विषय है, उसमें जीव की हत्या हो रही है, पांच प्रकार के स्थावर जीव है उसकी हिंसा हो रही है, दुनिया भर के जितने वातावरण हैं, जहाँ जाओ, जहाँ बोलो, जहाँ खेलो, जहाँ हाथ हिलाओ, वहीं क्या मर रहे हैं? जीव मर रहे हैं। तो जहाँ देखो वहाँ जीव मर रहे हैं, तुम कैसे जिए? प्रश्न महावीर स्वामी से कर बैठता है, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, और कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बंदई। एक प्रश्न कर लिया, हे प्रभु, कैसे चले, कैसे सोए, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे चलें, जिससे कि हमारे जीवन में पाप कर्म का बंद ना हो। भाई, काम तो करना ही पड़ेगा ना आपको, लेकिन काम करने के पीछे तरीका हो जाए, विवेक हो जाए, समझ हो जाए, तो कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। अगर आपके पास दिमाग हो तो कम पैसे में भी ज़्यादा काम कर लेते हो, कम समय में भी ज़्यादा काम कर लेते हो, और कम सामग्री में भी ज़्यादा काम। और अगर दिमाग समझ नहीं हो तो ज़्यादा चीज़ में भी आधा काम होगा, ज़्यादा समय में भी आधा काम होगा। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हम ऐसे जीवन कैसे जिए? तब भगवान महावीर स्वामी ने कुछ भी नहीं बोला, केवल जो प्रश्न किया था उसमें एक शब्द आगे लगा दिया, एक शब्द हटा दिया। बोले, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, तो बोले, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम सहे, और जदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बंदई। कदम कैसे की जगह क्या कर दिया? जदम। जदम मतलब यत्न पूर्वक। किस पूर्वक? विवेक पूर्वक। किस पूर्वक? समझदारी के साथ। किसके साथ? अपना काम भी हो जाए और नियम से बाहर की हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी कम होता चला जाए। अब कितनी सारी चीजें आ गई। कदम चले पहले नंबर पर कह दिया, कैसे चलें? अब चलने में महावीर स्वामी बता रहे हैं, चलने की कोई मनाही नहीं है, दुनिया भर में घूमो, तुम क्या चलते होगे, उससे 100 गुना ज्यादा साधु चलता है। क्या चलता है? लेकिन चलने के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? चलने के लिए कह दिया। धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, साधु समाधि के लिए, साधना के लिए, एक नगर से दूसरे नगर मोह को छोड़ने के लिए साधु विहार करे। चलने के लिए तो कोई मना नहीं किया ना, आपको भी चलने के लिए मना नहीं किया है। मंदिर जाओगे, दुकान जाओगे, तीर्थ यात्रा जाओगे, काम के लिए जाओगे, जाओगे, जाने की कोई मना ही थोड़ी ना है। लेकिन चलने के लिए पैदे कह दिया, जदम चरे यत्न पूर्वक चलो, यानी कि चार हाथ भूमि को देख करके चलो। बोले, महाराज, अब तो मामला सारा खत्म हो गया, अब तो गाड़ी आ गई है, लेकिन गाड़ी आ गई है तो उसको भी तो संभाल के चलो। और चलते भी हो आप, कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करो, जब भी गाड़ी कहीं खड़ी करो और जब भी रोको, तो एक बार नीचे जरूर देख लो। किसके नीचे? पांव के नीचे नहीं, गाड़ी के नीचे। उतना भी समय आपके पास नहीं होगा। होता है क्या? बहुत मुश्किल है। दरवाजे पे खड़ी है, सड़क पे खड़ी है, आपने काम किया, उठे, गेट खोला और तुरंत बैठे, नीचे कौन है? बस एक क्षण भी नहीं लगना आपको, इतना सा, इतना सा केवल देखते हो तो आपके भीतर की करुणा उस क्षण झलक जाएगी। और जहां वो करुणा झलकी तो आपकी ड्राइविंग भी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। जहां दूर से भी दिखेगा, थोड़ा सा इंतजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं तो बोले, तो छत्ती से घूमते रहते हैं, अब वो नहीं सुन रहा, वो तो जानवर है, तू जानवर क्यों बन रहा है? कुछ भी थोड़ी नहीं है, पशुता से प्रभुता की यात्रा है बस, संयम और कुछ नहीं है। देख करके चलने, बोले, चार हाथ भूमि को देख ले, और साधारण रूप से कह दिया है कि चलो, ज्यादा तो नहीं बच सकते हो, उस समय सोचो जो त्रस जीव हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया है, नाली में कुलबुलाने वाले कीड़े के भीतर भी परमात्मा छिपा है। कौन छुपा है? इसलिए तेरे हाथ से अगर वो साक्षात मर रहा है तो तू भावी परमात्मा की हत्या कर दिया। अब बात बड़ी ऊंची है, लेकिन साधारण रूप से सोचो तो दया परिणाम। कौन सा परिणाम? कि मेरे माध्यम से किसी जीव की हिंसा। कदम चरे कदम तिष्ठे, बोले, कैसे बैठे? बोले, जब भी बैठो
सोच के बैठो, देख करके बैठो। साधु महाराज को भी देखते हो तो बोले पिच्छी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? पिच्छी लगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज के लिए तो ऐसे ही कहा जाता है ना कि विमल सागर जी महाराज के पिताजी भी पंडित जी थे, उनके पास आया, नेमीचंद नाम था उनका, और ऐसे ही बैठ गए, बोले तुमसे अच्छा तो कुत्ता है। क्या बोल दिया उनके पिताजी ने? तुमसे अच्छा तो कुत्ता है। उसको लगा अरे क्या बोल रहे, क्या हो गया? बोले अरे बैठता तो देख के तो बैठता, वो भी कम से कम बैठता तो एक बार पूछ मार लेता है, तू भी एक बार कम से कम फूंक तो मार लेता, यानी आंखों से देख तो लेता। ऐसे ही बैठ गया, ऐसे ही बैठ गया। तो आप भी कितने बार बैठ जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो। अब तो आपके पास चेयर आ गई है, कुर्सी आ गई है, तो थोड़े जीव उसमें कम है। ये तो पहले तो सामान्य रूप से वस्तु का सुधार हुआ है, लेकिन समझ का भी सुधार हो जाए। ऐसे बैठो कि जीव की हिंसा भी ना हो और दूसरे को खराब भी ना लगे। आप लोग कहते हो ना कैसे बैठे हो, क्या उठपटांग बैठे हो, क्या बोलते हो? हर जगह बैठने का गुण बता दिया है कि घर में बैठते हो तो कैसे, ऑफिस में बैठते हो तो कैसे, मंदिर में बैठते हो तो कैसे, संत के सामने बैठते हो तो कैसे। विवेक से बैठना पड़ता, और विवेक आपकी मानसिकता को दर्शाता है। एक अफसर भी आपसे पूछता है तो पहले बैठने की चीज बता देता है कि कैसे बैठना है ऑफिस में, कुर्सी में, ताकि लोगों को क्या लगे। महावीर बताते लोगों को क्या लगे इससे नहीं, तुम्हारे विचारों में क्या है। आप कह दो ना क्या उठपटांग बैठे हो, शब्द आता बैठने के लिए कौन सा। अब कोई व्यक्ति ऊंट पर टांग रख करके बैठे कैसा लगेगा? ऊंट पर टांग, यह उठपटांग है। और कई बार आपकी कुर्सियां कैसे बन गई है, कैसे आप बैठते हो, आप कैसे बैठते हो, एक पांव नीचे एक पांव ऊपर रखा हुआ है, आपका शरीर कैसा लगता है। आप कभी कभी उसकी फोटो खींच करके उसी को दिखा देना, उसको खुद शर्म लगेगी। कितने बार ऐसा होता है, बोले ऐसे बैठ, ऐसी जगह मत बैठ जहां पर दूसरे को परेशानी हो। हम लोग के लिए भी कह दिया कि सड़क पे बैठ गया, सड़क पे मतलब आना जाने को क्या हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। कभी कभी आप मंदिर भी आते हो तो कहां बैठ जाओगे, बिल्कुल दरवाजे पे बैठ जाओगे, दूसरे को आने जाने में, दर्शन के लिए भगवान का व्यवधान, आने जाने वाले को लात खानी पड़ती है, क्या खानी पड़ती है। बोले ऐसे जगह किनारे पे बैठो ताकि तुम्हारे मन में भी शांति रहे और आने जाने वाले के मन में भी कोई विकल्प, निमित्त भूत कारण तुम मत बन पाप के, विचारों की कलुषता के। कितना ध्यान रखा गया है। बोले ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे झूठ, और ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ। कहां बैठा है, बीच में उधर बैठ, कई बार कहना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी जिद आ जाती है इंसान की, वो मानता भी। अब ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस श्लोक में कितना छोटा बता दिया कि कदम चले कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कि हम कैसे सोए। बोले सोने के लिए भी महावीर ने बता दिया, तुम अगर उल्टा सोते हो तो तुम्हारे भीतर कामुकता है, और अगर सीधा सो रहे हो तो तुम्हारे भीतर टेंशन है। अब कितनी चीजें बता दी महावीर ने, अपने आप के मन को टटोलना। ये जिंदगी है छोटी सी, इसीलिए बता दिया करवट लेकर के सो, पूरा तो नहीं कर सकते। अब हम लोग के लिए बता दिया ना, एक घड़ी के लिए सो, तीन घड़ी के लिए सो, धनुषाकार सो। धनुषाकार सोने में शरीर का बैलेंस भी बन जाता है, तकलीफ भी होती है तो नींद भी कम आएगी, और सीधा एकदम सोगे तो दिमाग घूमता रहेगा, उल्टे सोगे तो तुम्हारे विचार भी उल्टे चलते रहेंगे। सोने का क्रम बता दिया, और आजकल ये सारी चीजें बताई जाए। अब तो सोने के ढंग से आपके शरीर की बीमारी का भी पता लगा लिया है कि अगर आप ऐसे सो रहे हो तो इस बीमारी से ग्रसित हो, इतनी सारी चीजों को पकड़ लिया है कि नर्वस सिस्टम तुम्हारा खराब हो रहा है तो कैसे सो रहे हो, तो कैसे तुम्हें सोना है। आप लोग सो रहे हो तो बोले सोते समय सब चीजों से मुक्त होकर के सो, जैसे पुराने जमाने के लोग सोते थे खटिया में, आजू बाजू कुछ भी नहीं, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली। आज आप सो रहे हो तो कैसे सो रहे हो, आप महसूस करोगे तो आपके पीछे लगा हुआ है पूरा का पूरा क्या, ये दवाई, ये सामान, ये पुर्जा, ये दुकानदारी के कागज, ये पैसा, नीचे खाली बर्तन, खाली कपड़े, पूरे बेड में सारा टेंशन। आप किस में लेकर के बैठे हो, उस बेड में।
और पुराने जमाने कहते थे बिल्कुल निर्विकल्प होके सो, सब चीज, इसीलिए आप सोते उठते के साथ सीधा पानी में हाथ जाएगा, दवाई में हाथ जाएगा, फोन में हाथ जाएगा, रिमोट में हाथ जाएगा, पुर्जे में हाथ जाएगा, दिमाग में वही वही टेंशन लेकर के सो रहे हो, सवेरे स्फूर्ति के साथ भी नहीं उठ रहे हो आप सो, और आपके वो विचार के वेब जो पूरे के पूरे कमरे में बंद होते जा रहे, क्योंकि कमरा भी अब बंद है, नहीं तो क्रॉस वेंटिलेशन होता था, तो वायु सारे तुम्हारे विचार के अशुभ परमाणु को भी हवा के माध्यम से बाहर निकाल देती थी। अब आप सोचो कितना बढ़िया शब्द था पहले, खाट खड़ी कर देना, क्या कर देना, खाट खड़ी, और आज वो गाली बन गई है इसकी, तो खाट खड़ी हो गई। खाट खड़ी होने का मतलब क्या था, ये तरोताजा है, स्फूर्त है, जागृत है, सावचेत है, अब इसके घर में कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए तो बताया था ना कि जिस घर में 24 घंटे बिस्तर बिछा हुआ है उस घर में कौन है, बीमार है, वो घर क्या है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ही केवल बिस्तर बिछा रहेगा। घरों में कभी भी 24 घंटे बिस्तर बिछा हुआ नहीं होता था, घरों में बिस्तर बिछता था सूर्यास्त के बाद, और उठता कब था, सूर्योदय के पहले। बोले प्रभु क्या करूं, एक मजबूरी है, आंखें बंद हो गई यानी कि मैं मर चुका हूं अब जिंदगी में। इसीलिए शास्त्रों में सोने वाले को कह दिया एक इंद्री, कितने इंद्रिय, एक इंद्री है सोने वाला, क्योंकि उसके केवल शरीर बस है, बाकी सब तो आंख नाक कान जीभ सब खत्म है, दिमाग चल रहा है। और आज भी आप कभी कभी देख लो, लेकिन आपको तो जब कहीं रास्ते में जाओगे ढाबा में वही पलंग अच्छा लगेगा, वही खटिया अच्छी लगेगी ढाबे में, लेकिन घरों में बोले दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपने आप को क्या कर लेते हो, बीमार है, घर में बिस्तर बिछा हुआ है, हटा दो उठा दो का, बोले महाराज वो तो होने वाला नहीं है, अब तो वो स्टेटस बन गया है, उसके बिना तो घर की कल्पना भी, और किसी ने तो आप घर बनाते किसके लिए, अपने रहने के लिए, लेकिन उसमें क्या रहने लग जाता है, आप तो कम रहते हो सामान ज्यादा रहता है, देख लो आप क्या रहता है, इतना बड़ा बेड, ऊपर से चार अलमारी, ऊपर से सामने भी पूरा, ऊपर से सामने भी टीवी, यानी दुनिया की सारी पाप की वस्तु तो घर में रख लिया, और हमसे पूछने आ जाते हो महाराज कमरे में भगवान की तस्वीर इधर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अरे मूर्खानंद, जिसको हटाना उसके तो पूछते नहीं हो, और भगवान के लिए पूछते हो कि भगवान को कैसे वहां से हटाएं, एक तो टिका हुआ है, कम से कम आंख खुलती तो वही दिखता था, भगवान तो दिखते थे आपको, उसी को हटाने के लिए वास्तु वाले ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ढिकाने ने कह दिया, ये क्या है, असंयम, क्योंकि आपके भीतर पाश्चात्य संस्कृति तो असंयम ही देना चाहती है ना, संयम तो देना नहीं चाहती, लेकिन जन संस्कृति कहते नहीं तुम उठे तो सीधे तुम्हें कौन दिखे, इसीलिए कह दिया पूरब या उत्तर की तरफ तो सिर कर, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ सिर कर, ताकि जैसे उठेगा तो तेरा मुख पूरब या उत्तर की ओर होगा, तो तेरी कल्पना में आ जाएगा या तो मैं सुमेरु पर्वत की वंदना कर रहा हूं या मैं नंदीश्वर द्वीप की वंदना, क्योंकि वो पूरब और उत्तर में ही है, पांचों मेरु असी जिन धाम, जो रोज पूजा आपसे कराई जाती है, पहले भाव से वंदना हो जाए उठते के साथ ही, लेकिन अब क्या हो गया, और ये संयम बता रहे, अब इसमें संयम कौन सी बड़ी चीज है, कौन सी बड़ी चीज है, बिस्तर ही तो छुड़ाया है और कुछ थोड़ी छुड़ाया है, कुछ भी नहीं छुड़ाया है, खड़े हो गए उसके उपरांत बिस्तर को जमाया, इतने में आपका व्यायाम हो गया, दो चद्दर को भी उठाया, कंबल को भी उठाया, खटिया को भी उठाया, तो आपके नींद तो यूं ही भाग जाएगी, थोड़ा सा खड़े होकर 9 बार भी पढ़ लिया तो आपकी नींद तो यूं ही भाग जाएगी, नहीं तो क्या करोगे, करवट पे करवट बदलोगे, तो संयम कितनी सारी चीज है कि कदम सहे कैसे सोएं, ये भी आपको बता दिया, कदम भुंजेज्जा कि कैसे खाएं, ये भी बता रहे। अब लोग कितनी छोटी सी चीज है, ये हमारे लिए भी तो बताया है, हमारे लिए नाम दे दिया बड़ा, ईरिया समिति कैसे चले, भाषा समिति कैसे बोले, ऐसण समिति कैसे खाएं, आदान निक्षेपण समिति कैसे सामान उठाएं और रखे, प्रतिष्ठापन समिति कैसे शुद्धि को जाए, और क्या बताया है आपके लिए, हमारे लिए यही तो बताया है, हमारे को नाम दे दिया समिति, क्या नाम दे दिया समिति, आपके लिए क्या कह दिया संयम, संयम छोटा सा। अब बोले कसम भुंजे जे, बोले क्या खाएं, बोले खाने की कोई भी मनाही नहीं है, किसकी मनाही नहीं है, खाने की कोई भी मनाही नहीं है, बोले क्या खाएं, बोले भक्ष खाओ अभक्ष मत खाओ,
बस बात खत्म हो गया। अब इसमें कुछ है क्या? सारी अभक चीजें छूट गई, भक्ष भक्ष ले लो, और सारी चीजों की लिस्ट बनी हुई है। आप कितने बड़े संयमी हो जाओगे। बोले महाराज ये तो होने जाने वाला नहीं है, घर में पसंद आएगा नहीं तो बाजार है, और यूं दुनिया की अच्छी चीजें वही दिखती है, वही जमीकंद है, वही पाप है, वही अभक्ष है, जिसमें जीवों से युक्त है। महावीर ने उसको छुड़ा दिया। बस बोले बाहर की हिंसा से छूट गई, अब इसमें छूट जाए। तो फिर सबसे पहले कह दिया क्या खाएं, फिर पूछ लिया कब खाएं। अब बोले वो नियम कर लो कब खाएं, तो दिन में खाएं कि रात में खाएं। अब इसमें कौन सा बड़ा नियम है संयम में, तो इंसान कब खाएगा? बोले दिन में ही खाएगा, रात में नहीं खाएगा। अब नियम लेने में क्या बेहतर है आपका? बोले महाराज इसमें 90% लोगों के नियम नहीं होंगे, ये तो 10 दिन के लिए आपने नियम ले लिया होगा। कितने दिन के लिए लिया होगा? 10 दिन के लिए धर्मात्मा बन गए हैं। किसके लिए बन गए हैं? 10 दिन के लिए धर्मात्मा बन गए। 11वें दिन तो और ज्यादा अधर्म करोगे। क्या कर लोगे? और ज्यादा अधर्म करोगे, इससे ज्यादा कुछ करने वाले नहीं हो। सोच अभी से कल्पना चलती है आपकी, और आपकी मानसिकता को बाहर ठेले वाले होटल वाले इतने समझ चुके हैं कि अब जैनी टपकने वाले हैं, टूट पड़ेंगे, ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे जानवरों का बाड़ा खोल दिया जाता है तो पूरे भैंस गाय भागते हैं चारे की ओर। इससे बड़ा असंयम क्या होगा? कितने बड़े असंयमी हो रहे हो आप। और सोच लो नियम ले लिया, हे प्रभु इसका पालन थोड़ा करके देखेंगे, 10 दिन किया, मेरे शरीर में क्या बिगड़ा, और अच्छा लगा, हल्का हल्का सा लगा, घर में भी बोझ कम हुआ, चलो इस बार दीपावली तक इन सारे नियम का पालन करेंगे, हो गया काम। फिर दीपावली हो गई, अरे महाराज जी आपने चौमासा किया है, चलो इसका अभ्यास कर लेंगे 1 साल तक, और 1 साल का अभ्यास करोगे इतने में समाज वाले दूसरे महाराज को पकड़ के ले आए, वो फिर दोबारा दिला देंगे, तो जीवन किसका सुधरेगा? किसका सुधरेगा? आपका ही तो सुधरेगा, हमारा तो सुधरा सुधराया है। तो कह दिया कदम बुंजे जा, क्या खाएं? भक्ष खाओ, अभक्ष खाओ, कब खाएं? दिन में ही खाओ, रात में मत खाओ, ये संयम है आपका। फिर क्या बोल दिया, कहां खाएं? कहां खाएं? तो बोले घर में ही खाओ, बाहर मत खाओ, क्योंकि बाहर खाने में को क्या बोल देते थे, सड़क पे चलते चलते भी खा रहे हो तो किसको बोलते थे सड़क पे चलने खाने वाला? मूर्ख कहते थे, जो चलते हुए घर में खाता है सड़क पे खाता उसे। अब आप कहाँ खा रहे हो? होटलों पे, ढाबों पे, ठेलों पे। और कितनी सभ्यता आपकी रहती है कि ठेला वाला भी है, बोले और कुछ भी नहीं चल रहा है, दिख गया बस खड़े हो जाओगे, पानी पतासा है, जीप लप लप आ जाएगी। घर में तुम बना सकते हो, और उससे क्या हो रहा, आपकी परिवार की मर्यादा भी झलक जाती है बाहर, देखने वाले भी देख लेते हैं, वास्तविकता का पता लग जाता है कि नहीं। अब कहाँ खाएं, महावीर ने बता दिया घर में खाओ, सड़क पे, बाजारों में, इधर उधर मत खाओ, या जहां भी खाते हो वहां पर मर्यादित बैठ करके खाओ। जमाना कितना बदल गया है, हैं? बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया, सारी चीजें बदल गई है, अब सारे सिस्टम बदल गए हैं। तो आप देखो कैसा खाना चल रहा है, एक साथ पंगत लग गई है। पहले साहब जजनेन लीजिए खाइए, आज जैसे भैंस के लिए इतने बड़े बड़े नाद रख देते थे ना, वैसे ही आपके लिए कौन सा सिस्टम है, वो बफर सिस्टम, क्या बोलते हो, रख इतना बड़ा बड़ा रख देते हो, क्या बोलते हो उसको, टोकरा सा। अब वो क्या है, ऐसी तो हो गया जैसे भैंसों के लिए इतने बड़े नाद रख देते थे, वो जाता था और खुद मुंह मारता था, वैसे आप खुद जाते हैं अपने हाथ से उठाते हैं। और जमाना कितना बदल गया है, पहले का जमाना क्या था, खाने वाला बैठा रहता था, परोसने वाला घूमता था, और आज क्या हो गया है, खाने वाला घूमता रहता, परोसने वाला एक जगह खड़ा है। परोसने वाला कैसा है, एक जगह खड़ा है। सोचो जमाना कितना बदल गया, और अपने आप को क्या कहते हो, धर्मात्मा, संयमी, धर्म के जिम्मेदार, ठेकेदार, कितनी सारी चीजें आ गई। संयम तो अभी कुछ भी नहीं आया, अभी तो छोटा सा संयम चल रहा है कि कहाँ खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं। अब तो इतनी आदत खराब हो गई है, खाते खाते आप कहाँ तक पहुंच गए हो,
इतने में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो संडास में खाने में भी संकोच नहीं करते होंगे, ऐसे लोग भी हैं जिनकी ये खाने की आदत है वो वहाँ पे खा रहे हैं। कौन नहीं खा रहा है देख लो, जिसकी आदत है कहाँ जाके खा रहे हो, कहाँ जाके खा लेते हो, कहाँ जाके खा लेते हो? अब वहाँ कौन खाएगा? या तो सोकर की पर्याय से आया था, आदत छूटी नहीं, या वहां जाने की तैयारी कर रहा, अभी से अभ्यास चालू है। क्या चालू है? अभ्यास चालू। अरे बोल तो रहे हो, अगर घर में कोई देखने वाला होता है तो तुम भी चोरी छिपे वहां जाके खा लो, क्या पता लगे, क्या पता लगे खाना पीना चल रहा है। जिंदगी कहाँ पहुंच गई है सोचो। संयम बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन संयम आपके जीवन में कहाँ है ये ढूंढने लग जाओ अपने भीतर। और उम्र दराज हो गए हो तो नियम लेकर के बैठ जाओ, महाराज 60 के हो गए, घर का कर्तव्य निभ गया, अब तक तो संसार का जीवन चला रहा था, अपने जीवन को संभालूंगा। और ये नियम लेने में क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आराम से ले लो। तो कहाँ खाएं ये भी समझ लो, फिर बैठ करके खाओ ना। पहले भोजनशाला में खाते थे, अब कहाँ खाने लग गए हो, बिस्तर पे खाने लग गए हो। और बिस्तर पे कौन खाता है? केवल बीमार खाता है। तो सारे लोग कौन हो, कौन हो? बिस्तर पे कभी भी ठीक है, चीजें आ गई है, लेकिन अपने आप में संभल सकते हो। जेनी का कर्तव्य कितना था, भोजन की थाली ऊपर और स्वयं नीचे बैठ जाते थे, आराम से खा रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। सोचते चले जाओ तो कैसी स्थिति आपके बनती चली जा रही है। फिर पूछ लिया कितना खाएं, 6 प्रश्न उठा दिया है आचार्यों ने, कौन कौन से प्रश्न अपने आप में सोच लो, कब खाएं, कहाँ खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं। और कितना खाएं में क्या बता दिया है शास्त्रों में, ठूस ठूस करके मत खा। क्या मत खा? गले तक भर गया है, कहाँ तक भर गया है, उसके उपरांत भी निकलते हुए एक रसगुल्ला कोई पकड़ा दे तो वो भी सटक जाओगे, उसके उपरांत कोई सोप सुपारी भी दे दे तो वो भी गटक जाओगे, और उसके बाद फिर आगे निकलोगे तो जेब से निकालोगे एक हाजमोला भी गटक जाओगे। कहाँ छोड़ते हो आप, छोड़ते हो क्या, छोड़ते हो क्या? बोले मिल बस जाए। अरे भैया माल तो दूसरे का है, पेट तो तुम्हारा है, तू अपना तो ख्याल कर, दूसरे के उजाड़ने के चक्कर में अपनी सेहत को। आचार्यों ने कह दिया है कि भैया दो भाग भोजन कर ले, एक भाग पानी रख ले, एक भाग तो वायु के संचरण के लिए रख। अगर तेरे भीतर वायु के संचरण की व्यवस्था होगी तो तेरा शरीर भी अच्छा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर में तुम इतना जिम लेते हो कि तुम्हें जिम जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, उसके बाद क्या करते हो, फिर बाहर आने के उपरांत फिर वो भी दे दिया है, बाहर रख देता है ठिलिया, फिर वो डाल लेते हो, बैलेंस तुम्हारा कहाँ खत्म होता है। कितना खाएं तो आचार्य ने कह दिया है कि मर्यादित खा, दो बारी खा, मुंह जूठा उतना ही करे जितने में तेरा शरीर चल जाए। आचार्यों ने हम लोगों के लिए कह दिया है उतना खाना जितने में रात्रि का अंधकार दूर हो जाए, उतना दीपक में तेल डालना, यानी जितना तुम्हारा 24 घंटे में चर्या और साधना निभ जाए उतना ही तो खाना। खाने की कोई मनाही नहीं है, 100 चीज़ें खाओ, मैं भी तो खाता हूँ, आप जितना खाते हो उससे दुगना मैं खाता हूँ। आप घर में 2 चीज़ बना करके रोज़ निपट लेते हो, लेकिन साधु के लिए 9 चीज़ें बनाते हो, 100 चीज़ें बनाते हो, बनाते कि नहीं बनाते। लेकिन हम ये तो समझते हैं बेटा माल इसका है लेकिन शरीर तो तेरा, इसका क्या बिगड़ेगा, एक दिन में निपटा देगा तेरे को और तू बीमार पड़, इसका क्या जाएगा? फिर पूछना जाएगा महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? अब मैं थोड़ी ना बोलूंगा खराब है, और खराब है बोल दूंगा तो भी तो क्या करेगा, और अच्छा है तो तेरा क्या योगदान है। हम स्वयं अपने आप में व्यवस्थित है तो हो गया, नहीं तो फिर तो बाहर की चीजें चली रही है। तो कितना खाएं ये भी बता दिया, क्या बता दिया, तो कितने प्रश्न हो गए, कितने हो गए, कौन कौन से हो गए, कैसे खाएं, कैसे खाएं अभी कहाँ हुआ, कैसे खाएं अभी नहीं हुआ। अब आचार्यों ने कह दिया कैसे खाएं, तो बोले गृहस्थ जीवन और मुनि जीवन दोनों को विपरीत कर दिया है।
गृहस्थ जीवन में अगर खड़े होके खाते हो तो तुम भ्रष्ट होने लग जाओगे, और मैं बैठ के खाऊंगा तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। कितना अंतर है। मुनिराज को बैठ के खाने मना कर दिया, बोले खड़े होकर के खा। कितना? बोले जब तक शरीर चल रहा है, पांव खड़े होने की ताकत है तब तक खा, नहीं तो समाधि की साधना स्वीकार करो। गृहस्थ जीवन में कह दिया बैठ के खा, पालथी मार करके खा, एक जगह पर बैठ करके स्थिर होकर के खा, एक आसन। कितना है? एक आसन का मतलब एक बार भोजन करना नहीं था, एक जगह बैठ करके कर लिया। लेकिन अब उसका एक आसन का अर्थ ये हो गया कि डेढ़ घंटे तक खाए जा रहे। बोले आधे घंटे पहले वहीं बैठ के चाय पी लिए, थोड़ा विश्राम है, उसके ऊपर आप भोजन पूरा करोगे, फिर आधे घंटे बाद फिर चाय पी करके उठोगे, बोले मैंने तो एक आसन कर लिया। क्या कर लिया? एक आसन महाराज जैसा करो। किसके जैसा करो? आपके सामने गए, खड़े हुए, खाए, चाहे दूर है चाहे पास है, वहीं पे खाए लिया, और बोले एक बार जो आ गया है खाओ। नियम ले लो, दो बार से ज़्यादा मुंह जूठा नहीं करेंगे। शरीर तो उतना स्वीकार कर लेता, हम लोग का करता है कि नहीं करता है? क्योंकि शरीर को कितना चाहिए दिन भर के लिए? 2700 से 3000 कैलोरी, 24 घंटे काम कर बैठेगा, हम उतना ही लेते हैं। काम करता है कि नहीं करता है? कम भी लोगे तो भी काम कर लेगा, ज़्यादा करोगे तो प्रमाद दे देगा। कदम मुंजे ज कैसे खाएं, ये कह दिया। तो कब खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और क्यों खाएं? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ये 6 प्रश्न उठा दिया आचार्यों ने। और इतनी चीजें अगर उठ गई है तो आपके जीवन में सबसे पहला खान पान का संयम हो जाएगा। किसका संयम हो जाएगा? लेकिन आप इतने बिगड़ चुके हो कि खाने के बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती है, एक भी चर्चा नहीं करेगा, लेकिन भगवान के पूजन के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा होगी? आज समाज में बिगाड़ इसलिए पैदा हुआ है कि हमारी भोजन की थाली में क्या है इसके बारे में समाज को कोई चिंता नहीं है, लेकिन पूजन की थाली में क्या है इसके बारे में पूरी समाज लड़ी मरी जा रही है। कौन सी थाली में? पूजन की थाली में 13 और 20 के नाम से लड़े मरे जा रहे हैं, हर मंदिर में लड़ाई है। और भोजन के नाम पे कोई लड़ता है क्या? 13 हो या 20 हो या जैन हो या अजैन हो, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं। और महावीर कहते हैं धर्म के नाम पे मत लड़, वो तो जितना होगा उतना छूटेगा ही, और सारी चीज़ें तो छुड़ाई जाती है। नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा भी बोला जाता है, ताकि तो छोड़ते नियम ले ले कि भगवान तुम्हारे छोड़ दिया, भगवान के चरणों में चढ़ गया। अब समय है, समय का बदलाव अलग है, आज उसे आप धार्मिक रूप में ले सकते हो, लेकिन पहले त्याग के रूप में था। किस रूप में था वो? धीरे धीरे परंपरा के रूप में आ गया, और परंपरा के रूप में आ गया फिर कट्टरता के रूप में आ गया। परंपरा भी आई थी तो उस समय दरिद्रता के रूप में आई थी, आक्रमण इतना था कि लोगों के अपने खाने के ठिकाने नहीं थे तो मंदिर में क्या खाक चढ़ाता, ये स्थिति थी उस समय। और फिर वो किस में बदल गई? परंपरा में बदल गई। परंपरा में बदलते बदलते आज पंथ में बदल गई, और पंथ में बदलते बदलते आज अब द्वंद में बदल गई है। तो मेरी थाली में क्या है ये संकल्प कर लो, भगवान की पूजा की थाली में क्या है जो कर रहा है वो जाने, क्योंकि कोई भी चीज हिंसक नहीं कर सकता है, किसी भी पंथ का हो जन समाज का। तो ये चीजें कह दिए कदम भुंजे ज, और अंत में ओहो 10:45 बज गए आज तो। कितने बज गए हैं? नहीं हमारे तो 10, मेरा विषय है ये तो, कल तक भी चलाऊं चलेगा, क्योंकि ये संयम का विषय है, और संयम आपके जीवन का है। और 1 महीने से क्या सुन रहे हो? केवल संयम है तो व्यवस्थित। केवल मैं चाहता हूँ आप जैन के रजिस्टर में अपना नाम तो लिखा दे, आई एम जैन, मैं जैन हूँ। नहीं जैन तो हो आप, मैं जैनी हूँ, क्या लिखाओ? जैन होना सरल है, पैदा हो गए जैन कुल में जैन हो गए, लेकिन नियम ले लोगे तो क्या कहलाओगे? जब तक मैं स्टाम्प न लगा दूं, हस्ताक्षर न कर दूं, तब तक आप जैनी नहीं हो। यानी यहां पर आकर के महाराज, मेरे से मतलब महाराज, धर्म का संकल्प नहीं हो जाए तब तक जैनी। संयम का जीवन है, आप सोचोगे तो कह लोगे। तो ये भोजन की कितनी सारी चीजें हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसका अंतर है? किसका अंतर है? बस घर में यही तो बोलने का अंतर है, समाज में यही तो बोलने का अंतर है, राज्य देश में यही तो बोलने का अंतर है। और ये बोलने का अंतर सुधर जाता है तो फिर
सब कुछ अपनी आप ही सुधरने लग जाता है। और ये किससे होता है? पंचेंद्रिय, कौन सा? ये स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये तो रसना इंद्रिय से हो रहा है ना, कि खाने के में भी सबसे ज्यादा अभक्षकारी है और बोलने में भी सबसे ज्यादा खराब बोल रही है, अभक्ष बोल रही है। खाना मीठा चाहती है लेकिन बोलना कड़वा चाहती है। बस यही तो है, दो ही काम तो है रसना का। कौन कौन सा? कह देते ना, चखना और बकना। बोले दोनों सुधर जाए, कौन सुधर जाए? चखना और बकना, ये दोनों सुधर गया। महावीर कहते गृहस्थ जीवन में संयम आ जाएगा तो तुम इसे अपने घर में भी संयम रतन संभाल। किसको संभाल के रखोगे? तो इसमें खाना पीना भी छूट जाएगा, हिंसक सामग्री भी छूट जाएगी, पाप के कारण बहुत सारी चीजें सुधरने लग जाएगी। इसलिए यहां कह दिया, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। हे प्रभु, अगर मैं संयम का पालन मन से कर लूंगा तो भव भव के दुख भी हैं वो मेरे पास से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। क्योंकि संयम का अर्थ होता छोड़ देना, और छोड़ोगे तो अपने आप ही मिलेगा। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाही। ये संयम स्वर्ग के जीव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके गले में तो अमृत विचार किया और गले में टपक गया। तुम्हारे पास संयम है विचार करने से टपकने वाला, इसलिए नियम का पालन कर सकते हो। नरक, नरक में भी संयम का पालन और पशु गति में भी संयम का पालन थोड़ा सा है। उसमें भी जीव आ जाता है तो सूखे सूखे पत्ते को खाता है, हरे पत्ते को, पानी भी पीता है तो सूर्योदय के बाद पीता है, उसके पहले नहीं पीता है। ये भी बता दिया, तिरंच भी अनुव्रति हो जाता है। लेकिन मुनि बनने का सौभाग्य तो केवल मनुष्य गति में। लेकिन घर में रहो, आलस हरण करण दुख, इसलिए आलस्य को छोड़ो और नियम का पालन। बोले कौन करे मुझसे तो नहीं होता, नौकर इतने सारे वो कर लेंगे। जहाँ ये भाव आ जाता है वहीं हिंसाएं, और अपना काम आप करने लग जाओ घर में, आप देखो सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। आपके हाथ की अगर घर के भोजन और परिवार को मिलेगा, अपनापन अलग ही आ जाएगा। क्या लिखा? ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रुख त्रस करुणा धरो, सप रस रसना घ्राण नैना, कान मन वस सब करो। यानी कि क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस का एक जीव और पांच इंद्री के विषयों को क्या करो? तुम मन में वश में करो। क्या कर लो? अब ये तो बहुत सारी चीज हो गई। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, जब तक ये संयम नहीं लिया तब तक कौन नहीं सीझा? सीझने का मतलब उबल जाना, मुलायम हो जाना। आप वस्तु को डालते हो, जैसे पानी में सीझ जाता है उसका छिलका आराम से उतर जाता है। जैसे तुम संयम को लेकर के सीज जाओगे तो तुम्हारा पाप अपने आप ही उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा? तो यहाँ कितना बढ़िया शब्द है, सीज है, यानी तुम भी उबलो। किसमें उबलो? संयम में उबलो। किसमें उबलो? ताकि छिलका पाप का जल्दी उतर जाए। और ज्यादा उबल जाओ तो ये कपड़े का छिलका भी उतर जाएगा। मुनि का संयम में कपड़े का छिलका उतरता है, आपके संयम में पाप का छिलका उतरता है। एक घड़ी, हाँ, जिन जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग। तुमने संयम नहीं लिया इसलिए तुम्हें कहाँ रोना पड़ रहा है? संसार के कीचड़ में। कौन से कीचड़ में? अरे बोले हम तो छोड़ने वाले। बोले महाराज कुछ भी बोल लो, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। एक कुत्ता को नाली में पड़ा हुआ देखा तो नाराज जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उस कुत्ते से बोला चलो तुम्हें मैं विमान में बैठा के स्वर्ग ले चलता हूँ। बोले इससे बड़ी आपकी कृपा क्या होगी? बोले स्वर्ग में क्या है? बोले बहुत अच्छा रहना है, खाना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो बोले अच्छा, तो तुम जान, लेकिन क्या वहाँ पर ऐसे गंदी नाली मिलेगी? बोले ऐसा तो नहीं मिलेगा। बोले भाड़ में जाए तेरा स्वर्ग, मैं तो यहीं अच्छा हूँ। ऐसा जीवन किसका है? मनुष्य का, आपका। सारे कीचड़ पड़ तो रहे हो जग कीच में, लेकिन कीच से निकालने की बात करते हैं तो बोले सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ये सब मिलेगा? बोले नहीं। बोले क्या? आप ही बहुत हो, नहीं भाव जगते। कितने बिरले पुण्यात्मा होते हैं जिनके मन में कौन सा भाव जगता है? संयम का भाव जगता है। किसका भाव जगता है? एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख
बीच में एक घड़ी भी यानी एक क्षण भी अपने समय को मत बर्बाद करो। किसको मत बर्बाद करो? समय को। आओ जम मुख बीच में, जमराज कब तुम्हारे पास आ जाए कोई भी पता? तो यम तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे उसके पहले संयम धारण कर लो। कितना बढ़िया शब्द है, यम आपके द्वार पर दस्तक दे उसके पहले क्या धारण कर लो? इसीलिए कह दे उत्तम संयम जग का यम है, उत्तम संयम को पालो, उत्तम संयम को अपना कर वीत राग मुद्रा अपना लो। बाकी तो बहुत है, सिद्धांत शतक में आपने उस दिन किया था ना श्लोक है, तो ये संयम का श्लोक है। तो उत्तम संयम धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। आज 10 बज रहे हैं, कितने बज गए? 10 कितने बज गए? क्योंकि अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज कौन सा दिन है पर्यवेक्षण का? छठवां दिन है। अब ढाल आ गई है, ढाल में तेज चल, अभी तक तो चढ़ाव था, घाटी चढ़, उपवास वाले भी घाटी चढ़ गए हैं। क्या चढ़ गए हैं? अब तो उतरना बस, उतरने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, साइकिल गाड़ी अपनी आप ही ब्रेक में पाँव रखो बस, ज़्यादा इसी प्रकार अपने इधर उधर के काम में, चंचलता में, बोलने में, चालने में ब्रेक लगा दो। क्योंकि जितना बोलोगे, जितना घूमोगे, उतना शरीर को दिक्कत होगी। लेकिन अब 6 दिन का हो गया, आज कितने दिन का हो गया? अब घाटी उतर रहे हो तो 7वां 8वां 9वां 10वां तो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि पहले तो तकलीफ वो देता है जो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ जब खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो शरीर वो तकलीफ देना भी बंद कर देता है। तो कितने 13-14 लोग तो यहाँ पर खड़े हुए थे, नियम लेने वाले, उपवास करने वाले तो बहुत सारे हैं, अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। आपका उपवास अच्छे से व्यतीत हो ताकि आप 6वें दिन भी आ गए हो, 7वां 8वां 9वां 10वां भी करते चले जाओ। और जो यहाँ पर बैठे श्रोतागण हैं वो अपने आप में संयम का सोचे। महाराज ने बहुत सारी बातें बताई है, हम अपने जीवन में रावण जैसे बने, किसके जैसे बने कि कम से कम एक संकल्प तो पता नहीं कहाँ व्यवधान आ जाए और आपका संयम आपको, और जब भी लोगे तो कोई ना कोई परीक्षा अवश्य ही होगी। तो अपने जीवन में संयम का पालन करें, त्याग का पालन करें, ताकि आपका जीवन आनंदित हो, धर्ममय हो। इसी पुनीत भुनी भावनाओं के साथ ओम नमः, आपस में हंस के कस के जय जिनी जामवाणी के ज्ञान ते। विधानकर्ता कौन थे? आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।